मार महला में फूली छके सर क्यारी, चलो तो दिखाऊं बिहारी। अति सुंदर बहुत अमोला, रंग रंगीली छे बारी, चलो तो दिखाऊं बिहारी। मार महला में फूली छे केसर कारी, चलो तो दिखाऊं बिहारी। दसम स्कंद निरोध लीला, ये सिन्हा जी का हृदय है। देखो, चरणों से उठा के भगवान हृदय में प्रवेश दे रहे हैं। भगवान भक्तों के हृदय में विराजते हैं और भक्त भगवान के हृदय में विराजते हैं। श्री महाप्रभु जी का सर्वोत्तम जी में एक नाम है, श्री कृष्ण हार्द विद, श्री कृष्ण के हार्द की जानने वाले। ठाकुर जी के हृदय में क्या है ये वल्लभ जानते हैं, ऐसे ही वल्लभी भी जिन पर ठाकुर जी कृपा करते हैं अपना हृदय खोल देते हैं। जो भगवान के हृदय की जाने, भगवान के हार्द को समझ लेवे, वो भगवान के हृदयस्थ निरोध लीला दसम स्कंद लीला का पूर्ण अधिकारी बन जाते। ये सबसे बड़ा दान है। आप श्रीनाथ द्वारे दर्शन करते हैं, उष्ण काल में तो सर्वंग के दर्शन होते हैं, मंगला जी में दर्शन होते हैं, चरणों के, वक्ष के, जंघा के, भुजा के, हस्त के, सर्व दर्शन होते हैं, लेकिन हृदय का दर्शन नहीं होता। हृदय तो गोपनीय है, हृदय प्रकट अंग नहीं है। भाव क्या है कि दसम स्कंद की लीला गोपनीय लीला है। एकादश स्कंद मुक्ति लीला, श्रीनाथ जी का मस्तक है और द्वादश स्कंद ठाकुर जी का ऊपर उठा हुआ हस्त है। ये ऊपर जो हथेली है ये बारहवां स्कंद है, जिसका विषय है आश्रय लीला। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण श्रीनाथ जी के स्वरूप में और भागवत में कोई अंतर नहीं। बोलो श्री गोवर्धन नाथ की।
तुझे घन श्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घन श्याम राधे राधे। श्याम राधे राधे घन श्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे घन श्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घन श्याम राधे राधे, कुंज में विराजे राधे घन श्याम राधे राधे। मथुरा माँ विराजे घन श्याम राधे राधे, मथुरा माँ विराजे घन श्याम राधे राधे। श्याम राधे राधे घन श्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे घन श्याम राधे राधे, कुंज माँ विराजे घन श्याम राधे राधे, कुंज माँ विराजे घन श्याम राधे राधे, कुंज माँ विराजे घन श्याम राधे राधे। शिवल्लभाधीश की शिवल्लभाधीश की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। उक्षिप्त हस्त पुरुषः पुरुषोत्तम भगवान गोवर्धन रहन सिन्हा जी का ऊपर उठा हुआ जो हस्त है, ये द्वादश स्कंद आश्रय लीला है। ऊपर हस्त करके ऐसे पांच उंगली के दर्शन करा रहे हैं। मानो ठाकुर जी कह रहे हैं ये पांच को आश्रय मेरो ही आश्रय, पांच आश्रय। पहला श्री कृष्ण आश्रय, दूसरा आचार्य चरण गुरु आश्रय, तीसरा भागवत आश्रय, चौथा नाम आश्रय। जो अष्टाक्षर पंचाक्षर मंत्र गुरु मुख से श्रवण किया है उस मंत्र में पूर्ण विश्वास, और पांचवा भक्त आश्रय। एक भरोसो हरि भक्तन को, दूजो नंद किशोर को, मोय बल है दो ठोर। ये भागवत स्वरूप श्री गोवर्धन रहन सिन्हा जी और भागवत के वक्ता हैं सुखदेव जी और श्रीनाथ जी, जिस कुंज के द्वार पर खड़े हैं ऊपर मस्तक पर सुखदेव जी विराज रहे हैं। यद्यपि ठाकुर जी निकुंज नायक हैं, सिन्हा जी की जो कंदरा है, कंदरा के बीच में द्वार है, द्वार पर खड़े हैं सिन्हा जी। द्वार पे क्यों खड़े हैं? निकुंज नायक को तो निकुंज में विराजना चाहिए, लेकिन ठाकुर जी को अंतरंग भक्तों को नित्य निकुंज में बुलाने की इतनी आरती है,
कि निकुंज नायक सिंहासन से पधारे और स्वयं द्वार पे खड़े हो गए बुलाने के लिए, आ जाओ। एक हाथ ऊंचा करके बुला रहे हैं और दूसरे हाथ को मुट्ठी बांधे है, मानो आज्ञा कर रहे हैं कि जो शरण में आ जाता है मैं उसको पकड़ लेता हूं, और एक बार जिसको मैं अंगीकार कर लेता हूं उसका त्याग नहीं करता। श्री सुखदेव जी महाराज ने 7 दिन भागवत कथा सुनाई। श्रीमद् भागवत में 7 की संख्या बड़ी महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग प्रश्न करते हैं कि परीक्षित को तो श्राप था इसलिए भागवत कथा 7 दिन सुनाई। अरे हमें श्राप थोड़ा ही है, अगर 10 दिन सुना है तो क्या आपत्ति है? ये 7 दिन का बंधन क्यों कर दिया? तो मैंने निवेदन किया कि 7 दिन कथा सुनाई इसका तात्पर्य क्या है? अरे दिन तो 7 ही होते हैं, 8वां भी दिन होता है क्या? दिन कितने? 7। तो हमारे जीवन में जितनी बार 7 दिन आवे हम 7ों दिन भगवत कथा सुनते रहे, एक दिन भी कथा से वंचित न रहे, सारे जीवन 7ों दिन भागवत श्रवण करते रहे। रविवार से लेकर शनिवार तक रोज कथा सुनो, सदा भागवत का स्वाध्याय करो, पठन करो, श्रवण करो। और 7 दिन कथा इसलिए सुनाई कि श्रीमद् भागवत में जिनकी कथा है ये ठाकुर जी सप्तम धर्मी स्वरूप है। सड़गुण संपन्न तो भगवान के सभी अवतार हैं, लेकिन श्री कृष्ण अवतार नहीं है, अवतारी हैं, सारे अवतारों के मूल कारण हैं, इसलिए श्याम सुंदर सप्तम धर्मी स्वरूप से लीला करते। हमारे यहां कीर्तन में गावे ना, यशोदा मैया मंगल भोग धरे और मनोहार करके कहे छगन मगन प्यारे लाल कीजिए कलेवा। छगन मगन कैसे बढ़िया नाम धरे हो मैया ने। छगन मगन माने छगन 6 हैं गुण जिनमें, उन्हीं में जो मगन है, सड़गुण संपन्न भगवान। मैया बोली लाला आप तो सप्तम धर्मी स्वरूप से विराज रहे हो, लीला कर रहे हो, मंगल भोग करो, सेन भोग धर रही है यशोदा, दूध पधरा रही है और क्या गा रही है? मोहन लाल बियारू की जय, मोहन लाल बियारू की जय, ओट्यो दूध सद्य धोरी को 7 घूंट भर पी जय। 6 नहीं 8 नहीं 7 ही क्यों? 7 घूंट तो पियो लाला। भगवान बोले मैया 7 ही क्यों पीऊं? मैया बोली सप्तम धर्मी स्वरूप से विराज रहे हो ना, यशोदा को तो महात्म क्या नहीं। 7 की संख्या बड़ी महत्वपूर्ण है। श्री महाप्रभु जी ने श्रीमद् भागवत का अर्थ 7 प्रकार से किया है, शास्त्र स्कंध प्रकरण अध्याय 4 प्रकार से अर्थ किया है भागवतार्थ प्रकरण ग्रंथ में, और 3 प्रकार से अर्थ किया है सुबोधनी जी। 3 प्रकार से भागवत का अर्थ है, पद वाक्य और अक्षर, 4 3 7 7 प्रकार से अर्थ हुआ है। और देखिए दशम स्कंद की जो कारिका है, एक कारिका में श्री महाप्रभु जी संपूर्ण दशम स्कंद को नमन करते हैं। इस श्लोक के उच्चारण से दशम स्कंद का बंधन हो जाता है। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ
पंचधा हृदये मम। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद की लीला को श्री महाप्रभु जी ने 5 भागों में वर्गीकृत किया है। तामस प्रकरण, राजस प्रकरण, सात्विक प्रकरण, जन्म प्रकरण और अंत में गुण प्रकरण। तो ये जो प्रकरण है, आप दशम स्कंद की जब कथा आएगी तब इसको समझेंगे। एक एक प्रकरण के उपचार प्रकरण है, प्रमाण प्रमेय साधन फल, और एक एक उप प्रकरण में 7-7 अध्याय लिए हैं श्री महाप्रभु। 7 ही अध्याय लिए हैं। इन 7 अध्यायों में एक एक अध्याय में सदगुण की लीला है और 7वें अध्याय में धर्मी स्वरूप की लीला। देखिए, श्री महाप्रभु जी का स्वरूप आप ही कृपा करके समझावे तब कुछ समझ में आ सकता है। और वल्लभा जी स्वयं श्री मुख से आज्ञा करते हैं कि मुझे किस लिए भेजा है। डंके की चोट कही महाप्रभु जी ने यह बात। अर्थम तस्य विवेचितुं नहि विभू वैश्वानराद्वाक्पते रण्यास्तत्र विधाय मानुषतनु मां व्यासव श्रीपति दत्वाज्ञां च कृपावलोकनपटु यस्मादतोऽहं मुदा गूढार्थं प्रकटीकरोमि बहुधा व्यासस्य विष्णोः प्रियम्। ये महाप्रभु जी के वचन है। विश्व का उद्धार करने के लिए वाणी के पति वैश्वानर श्री वल्लभाचार्य जी के अतिरिक्त भागवत का गूढ़ अर्थ करने में कोई समर्थ ही नहीं है। इसलिए श्रीपति ठाकुर जी ने मुझे भूतल पर भेजा है। जैसे भगवत गीता में भगवान अपना परिचय नहीं देते तो लोग भगवत स्वरूप को कैसे जानते। भगवान को स्वयं कहना पड़ा मैं कौन हूं, और महाप्रभु जी यहां श्रीमुख से अपने स्वरूप का परिचय अपने जनों को करा। रण्यस्तत्र विधाय मानुष तनु मां व्यासव श्रीपति। व्यास जी की तरह भूतल पर मानुष तनु धर के मुझे भेजा है। कृपा पूर्वक दृष्टिपात करके भगवान ने भागवत का गूढ़ अर्थ प्रकट करने के लिए मुझे भेजा है। और श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं मैं भागवत का वही अर्थ करूंगा जो महर्षि वेदव्यास को मान्य है और श्रीपति ठाकुर जी को मान्य, जो भगवान को प्रिय लगे वही अर्थ करूंगा। मैं लक्षणार्थ नहीं करूंगा, जैसा शुद्ध अर्थ निकलता होगा वही अर्थ करूंगा, तोड़ मरोड़ के अर्थ नहीं करूंगा। महाप्रभु जी ने भागवत का अविदा लक्ष्य अर्थ किया है। बोलो शिवल्लभाधीश की। और जो गूढ़ अर्थ प्रकट हुआ है वो सुबोधनी जी है। देखो, हम लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण की प्राप्ति स्वामी जी की कृपा के बिना नहीं होती। स्वामी जी कृपा करें तब श्री कृष्ण की प्राप्ति हो, निकुंज की प्राप्ति हो, कृष्ण से मिलाने वाली स्वामी जी हैं। और वही स्वामिनी श्री वल्लभ रूप से प्रकट हुए हैं, उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की कहानी से श्रीनाथजी हमारा हाथ पकड़े हुए। तो जैसे भगवान कृष्ण की प्रिया
स्वामिनी श्री राधा हैं, और अभी हमने सुना कि भागवत भी श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है साक्षात, तो ये भागवत कृष्ण की प्रिया कौन? श्री कृष्ण की प्रिया तो राधा रानी है, भागवत रूप श्री कृष्ण की प्रिया कौन है? वो प्रिया सुबोधनी जी है। भागवत रूप श्री कृष्ण की प्रिया स्वामिनी जी सुबोधनी जी है। जैसे राधा रानी की कृपा के बिना कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती, कृष्ण की लीला में प्रवेश नहीं होता, ऐसे ही सुबोधनी जी की कृपा के बिना भागवत में भी प्रवेश नहीं हो सकता। और भागवत पुरलिंग है, सुबोधनी स्त्रीलिंग है। सुबोधनी जी साक्षात स्वामिनी है, तभी तो स्वामिनी स्वरूप श्री महाप्रभु जी के हृदय से प्रकट हुई। सात प्रकार से अर्थ किया है। पर देखिए सात की संख्या कितनी महत्वपूर्ण है। भगवान ने गिरिराज जी धारण किए कितने दिन, बोलते जाइए, सात बोलना है आपको बस। कितने बरस के थे? सात बरस के। और श्री गोसाई जी के कितने लाल जी? जय हो। पुष्टि मार्ग के कितने घर हैं? सात। और ठाकुर जी अधरन पे बंसी धर के बजावे, बंसी में छेद कितने? सात। और संगीत के स्वर कितने? सात। सनकादि ऋषि वैकुंठ में दर्शन करने के लिए गए, छह दरवाजे पार कर गए, अंतिम द्वार रोक दिया जय विजय ने सनकादिकों के लिए, तो भगवत धाम के कितने द्वार हैं? सात। और राज ऋषि सत्यव्रत को भगवान ने आज्ञा दी तुम्हें प्रलय का दर्शन होगा, मत्स्य भगवान ने आज्ञा दी, कितने दिन बाद प्रलय हुई? सात दिन बाद। कहना सात की संख्या बड़ी महत्वपूर्ण। और देखिए भागवत के वक्ता कितने हैं, बोल दो सात, क्यों सात की बात चल रही है, सात ही होंगे, सात ही वक्ता हैं और सात ही श्रोता हैं। पुष्टि मार्ग में सात की संख्या बड़ी महत्वपूर्ण है। रुक्मणी जी ने वरण के लिए निवेदन किया था ना, भगवान को पत्रिका लिखे भेजी थी, कितने श्लोक की? सात। विवाह में जो फेरे पड़ते हैं कितने पदी? सप्तपदी। अरे बड़ी महत्वपूर्ण संख्या है। सात ही वक्ता है, सात ही श्रोता है। श्रीमद् भागवत के प्रथम वक्ता महात्म कथा में आप लोगों ने सुना था सनत कुमार जी महाराज, श्रोता वैष्णव वृंद। दूसरे भागवत के वक्ता गोकर्ण जी, श्रोता धुंधकारी। तीसरे भागवत के वक्ता नेमिचारण में सूत जी महाराज, श्रोता सौनक ऋषि। और चौथे भागवत के वक्ता कौन है भागवत में? देवऋषि नारद, श्रोता व्यास जी। चतुर्श्लोकी भागवत का उपदेश दिया। और पांचवें भागवत के वक्ता कौन है? प्रसिद्ध वक्ता श्री सुखदेव जी महाराज, और श्रोता परीक्षित। छठवें भागवत के वक्ता कौन है? अरे आप तो बहुत कथा सुनते हो, थोड़ा खोजना चाहिए। छठवें भागवत के वक्ता हैं श्री मैत्री जी महाराज, और श्रोता हैं विदुर जी। दो स्कंध, तृतीय स्कंध, चतुर्थ स्कंध मैत्री जी ने विदुर जी को सुनाया है, केवल दो स्कंध सुनाए हैं। श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं जब विदुर जी दो स्कंध श्रवण करके कृतार्थ हो गए, अरे भागवत के दो स्कंद सुन के जब कृतार्थ हो सकते हैं, तो द्वादश स्कंद सुनने के बाद उद्धार में शंका है क्या? ऐसा है श्रीमद् भागवत। और श्रीमद् भागवत के
सातवें वक्ता कौन है? सातवें वक्ता स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। द्वादश स्कंद में उद्धव जी को भगवान उपदेश दे रहे हैं, यहां भगवान श्री कृष्ण वक्ता है और उद्धव जी श्रोता है। बोलिए भागवत भगवान की। आप लोग समय पे आओगे ना तो बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। अब आजकल तो मैंने सुना है अहमदाबाद में कथा छट गई है, एक ही समय करनी पड़ती है क्योंकि आप लोग सुबह उपस्थित नहीं हो पाते। अब यदि 1 बजे से और 5 बजे तक कथा होगी तो कितनी कथा होगी। अरे हमारी आपकी इस कथा में तो विश्राम भी हो जाता है। जो सुखदेव जी ने भागवत सुनाई थी ना, विश्राम का काम ही नहीं था उसमें, क्योंकि ना भूख ना प्यास ना देह बाधा किस लिए उठा जाए, सतत गान हुआ है कथा का। आसन पर सुखदेव जी विराज गए, आसन पर परीक्षित विराज गए, देहाध्यास छूट गया है दोनों का। आज हमने तो बहुत समय कट कर दिया है, जो कुछ बात कहनी हो बस 3 घंटे में कह दो, पूरे स्कंद पूरे कर दो। क्या कथा है, फिर भी मैं देख रहा हूं सुबह का समय निकालना बहुत कठिन होता है। घर के भी काम है, बहनों को ठाकुर जी की सेवा भी पहुंच के आना है, और जल्दी जल्दी सेवा पहुंचे वो भी मन नहीं होता है, क्या करें। यहां भी मन लगा हुआ है, फिर भी आप आ रहे हैं समय पे, धन्यवाद है आपके लिए। ये ऐसा दिव्य अमृत है, भर भर के अपने कर्णपुट से पान कीजिए। तृतीय स्कंद प्रारंभ हो रहा है, तीसरे स्कंद को नमन करें और इस कथा को श्रवण करें। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। गोविंद माधव गोपाल माधव गोविंद माधव गोपाल माधव गोविंद माधव सब बोलिए गोपाल माधव गोविंद माधव 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 गोपाल माधव श्याम माधव घन श्याम माधव श्याम माधव घन श्याम माधव श्याम माधव घन श्याम माधव माधव गोपाल माधव गोविंद माधव गोपाल माधव गोविंद माधव गोपाल माधव गोविंद माधव गोपाल माधव की मार्गीय सब ठाकुर निधि स्वरूपों का इसमें स्मरण है। मथुरेश माधव द्वारकेश माधव मथुरेश माधव द्वारकेश माधव मथुरेश माधव द्वारकेश माधव मथुरेश माधव द्वारकेश माधव द्वारकेश माधव विठ्ठलेश माधव द्वारकेश माधव विठ्ठलेश माधव द्वारकेश माधव विठ्ठलेश माधव द्वारकेश माधव विठ्ठलेश माधव
श्याम माधव माधव गोपाल माधव गोविंद माधव गोपाल माधव गोविंद माधव गोपाल माधव गोविंद माधव गोपाल माधव गोकुलनाथ माधव गोपीनाथ माधव गोकुलनाथ माधव गोकुलनाथ माधव गोकुलनाथ माधव गोपीनाथ माधव गोपीनाथ माधव श्याम माधव घनश्याम माधव नंद माधव गोकुल चंद माधव श्याम माधव श्याम माधव घन श्याम माधव श्याम माधव घन श्याम माधव श्याम माधव घन श्याम माधव श्याम माधव चंद माधव नंद नंद माधव गोकुल चंद माधव नंद नंद माधव गोकुल चंद माधव नंद नंद माधव गोकुल चंद माधव नंद नंद माधव नंद नंद माधव नंद नंद माधव नंद नंद माधव घनश्याम माधव श्याम माधव घनश्याम माधव श्याम माधव राधावर माधव नटवर माधव राधावर माधव नटवर माधव राधावर माधव नटवर माधव राधावर माधव मुकुंद राय माधव विठलेश राय माधव मुकुंद राय माधव विठलेश राय माधव मुकुंद माधव कल्याण राय माधव मुकुंद राय माधव कल्याण राय माधव श्याम माधव घन श्याम माधव श्याम माधव घन श्याम माधव गोविंद माधव गोपाल माधव गोपाल माधव गोविंद माधव गोपाल माधव गोविंद माधव गोपाल माधव गोविंद माधव गोपाल माधव मुरलीधर माधव गी
माधव मुरलीधर माधव गिरिधर माधव गिरिधर माधव गिरिधर माधव मुरलीधर माधव मुरलीधर माधव श्याम माधव माधव घन श्याम माधव श्याम माधव घन श्याम माधव श्याम माधव घन श्याम माधव श्याम माधव घन श्याम माधव चित चोर माधव माखन चोर माधव चोर माधव चित चोर माधव माखन चोर माधव श्याम माधव गण श्याम माधव श्याम माधव गोविंद माधव गोपाल माधव गोविंद माधव गोपाल माधव गोपाल माधव गोविंद माधव गोपाल माधव गोविंद माधव गोपाल माधव गोविंद माधव गोपाल माधव गोपाल माधव गोपाल माधव नंदलाल माधव नंदलाल कृष्ण कन्हैया लाल की। तृतीय स्कंद का विषय है सर्ग लीला। सर्जनम सर्ग भगवान सृष्टि का सृजन कैसे करते हैं ये सर्ग लीला है। देखिए सर्ग विसर्ग लीला श्रवण करने से बहुत से वैष्णव ऐसा विचार करते हैं कि ये सब कथा क्यों सुननी, हम तो दशम स्कंद लीला सुन। ये बात ठीक है, लीला तो फलरूप है, लेकिन सर्ग विसर्ग श्रवण करने से भगवान के पूर्ण महात्म का ज्ञान होता है, स्वरूप का ज्ञान होता है। और महात्म ज्ञान पूर्वक भगवान में जो सुदृढ़ स्नेह हो भक्ति हो वही तो निरोध लीला पुष्टि भक्ति। अगर महात्म ज्ञान दृढ़ नहीं होगा तो भगवान का आश्रय भी दृढ़ नहीं होगा। और जब तक हमारे हृदय में आश्रय दृढ़ नहीं है तब तक हम जो भजन कर रहे हैं सेवा कर रहे हैं उसमें पूर्ण आनंद नहीं है। भजन करें ठाकुर जी को, याचना करें दूसरे से, लौकिक में पत्नी पति परायणा है पति प्रता है पर है बड़ी आलसी, पति की सेवा ढंग से नहीं कर पावे, बड़ी आलसी है। तो अड़ोसी पड़ोसी कहें तुम्हारी पत्नी बड़ी आलसी, सब काम उस पर टाल देती है, खुद नहीं करना चाहती। तो पति क्या बोला, कैसी भी है मेरे प्रति उसका बड़ा स्नेह है, मेरी अनन्य आश्रित है, केवल इस एक गुण से सती भाव से पति रीत जाता है। ऐसे ही भले ही सेवा कम बने लेकिन आश्रय दृढ़ होना चाहिए। और जिसमें व्यभिचार भाव हो खूब सेवा करे पति नहीं रीत सकता है। ऐसे ही ठाकुर जी जब तक आश्रय दृढ़ नहीं हो विश्वास दृढ़ नहीं हो उस भक्त में कैसे बरस जाए। तो ये महात्म ज्ञान को दृढ़ करने वाला है सर्ग लीला और विसर्ग। कथा भी सुनते जाइए और साथ में ये अनुभव करते जाइए कि हमारे माथे जो विराज रहे हैं ये शिनाज जी ये लालन ये कौन है, इनका स्वरूप हम पहचाने। सर्ग विसर्ग की चर्चा मैत्रेय और विदुर जी के संवाद में कही गई है। श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, मैत्रेय जी में ज्ञान बहुत है क्योंकि मैत्रेय मुनि ने उपदेश भगवान के श्रीमुख से सुना है।
एकादश स्कंद में जब भगवान उद्धव जी को उपदेश दे रहे थे, मैत्रेय जी ने भी श्रवण किया है, और जब भगवान उद्धव को उत्तराखंड के लिए विदा कर रहे हैं तो क्या आज्ञा करी, उद्धव सुनो अभी तुम्हें यही रहना है, तीर्थ यात्रा करके विदुर जी लौट के आएंगे, मेरे प्यारे भक्त विदुर को मैत्रेय मुनि के आश्रम में पहुंचा देना, मैंने जो उपदेश दिया है मैत्रेय मुनि को ये मैत्रेय विदुर जी को प्रदान करें, ये आज्ञा की भगवान। क्यों ये मिलन क्यों करा रहे हैं ठाकुर जी, श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि मैत्रेय जी में ज्ञान तो बहुत है लेकिन भक्ति की थोड़ी कमी है, और विदुर जी में भक्ति बहुत है लेकिन ज्ञान की कुछ कमी है। जब दोनों का मिलन होगा तो मैत्रेय मुनि का ज्ञान विदुर जी को प्रभावित करेगा और विदुर जी की भक्ति मैत्रेय जी को प्रभावित करेगा, दोनों एक दूसरे के पोषण करने वाले हैं, यही तो सत्संग का आनंद है। मैत्रेय जी के ऊपर विदुर जी की भक्ति का प्रभाव पड़ता है। तृतीय स्कंद में 33 अध्याय है। सर्जनम सृष्टि दो प्रकार की होती है, लौकिक सृष्टि अलौकिक सृष्टि। अलौकिक सर्ग और लौकिक सर्ग। अलौकिक सर्ग की दृष्टि से भगवान अपने अंग से देवताओं को उत्पन्न करते हैं। देवताओं की संख्या कितनी है? 33, और एक एक से एक एक कोटि 33 कोटि। अलौकिक सर्ग में 33 देवता उत्पन्न हुए अंग से, इसलिए तृतीय स्कंद में 33 अध्याय। और लौकिक सर्ग की दृष्टि से 28 तत्व, 4 प्रकार के जीव, स्वेदज अंडज उद्भिज आदि, और एक काल, ये सब मिलके संख्या होती है 33। इसलिए तृतीय स्कंद में 33 अध्याय है। श्री महाप्रभु जी अध्याय अर्थ समझाते। तीसरे स्कंद को दो भागों में विभाजित किया है, उन्नीस अध्याय कर्म प्रधान है और 14 अध्याय ज्ञान प्रधान। भगवान की दो शक्तियां कार्य करती हैं सृष्टि सृजन में, एक भगवान की क्रिया शक्ति और दूसरी भगवान की ज्ञान शक्ति। क्रिया शक्ति की प्रधानता से यज्ञावतार वाराहावतार हुआ, और ज्ञान शक्ति की प्रधानता से भगवान का कपिल अवतार हुआ। तृतीय स्कंद में दो अवतारों की कथा है। 19 अध्याय कर्म प्रधान, उसके बाद 14 अध्याय ज्ञान विवेक प्रधान है, इस प्रकार 33 अध्याय हैं। आचार्य चरण आज्ञा करते हैं जैसे मीमांसा के पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा दो भाग हैं, ऐसे ही यहां समझना चाहिए। मित्र जी से विदुर जी का मिलन कैसे हुआ है? श्री शुकोवाच यदा तु राजा स्वसुतान साधु कुशलन धर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्यविष्टस्य सुतान् विबन्धु प्रवेश्य लाक्षा भवने ददा। हे परीक्षित, उन दिनों की बात है जब धृतराष्ट्र के पुत्र पांडवों के ऊपर बड़ा अत्याचार कर रहे,
रक्षा भवन में बंद करके आग लगाई। धृतराष्ट्र को सब मालूम है लेकिन पुत्र मोह में कुछ नहीं बोल रहे। और एक दिन तो सारी मर्यादाओं की सीमा उल्लंघन हो गई जब हरी सभा में दुशासन द्रौपदी के केस पकड़ के खींच के लाया। यदा सभायां कुरुदेव देव्या केशाभिमर्शं सुत कर्म गरियं आंखों से आंसू बरस रहे हैं द्रौपदी के, केस पकड़ लिए। ये बड़ा निकृष्ट कर्म है। देखिए हमारी भारतीय संस्कृति में नारी के केस सुहाग हैं। और इतिहास साक्षी है जिस पतिव्रता नारी के केस पर पुरुष ने पकड़े उसका सर्वनाश हो गया। द्रौपदी के केस पकड़े थे दुशासन ने, परिणाम क्या हुआ? सबका नाश हो गया। और जब आकाशवाणी हुई थी देवकी जी के केस पकड़ के रस से नीचे गिराया था, कौन ने? कंस ने। परिणाम क्या हुआ? केस सुहाग है। स्वामिनी भाव युक्त श्री महाप्रभु जी श्री गोसाई जी बालक इसलिए तो केस धराते हैं। सुहाग है ये। जब सुहाग ही नहीं रहता तब केस छांटे जाते। पर बलिहारी आज के युग की महाराज क्षमा करना, ब्यूटी पार्लर में बैठ जाती, छांट दो बस ऐसे एक से कर दो। पर पुरुष के हाथ में केस देना ये हमारी संस्कृति है। इतिहास कह रहा है केशाभिमर्शं सुत कर्म गरी। दुशासन ने केस पकड़े थे, कंस ने केस पकड़े थे, सर्वनाश हो गया। पर पुरुष स्पर्श कर सकता है? भरी सभा में विदुर जी ने कहा महाराज मैं देख रहा हूं कि वंश नष्ट होने वाला है, आप दुर्योधन को निकाल दीजिए, उंगली में यदि फोड़ा हो जाए और विष फैलने लग जाए तो उस उंगली को काट देना चाहिए। कोई नहीं बोला। दुर्योधन भरी सभा में काका जी का अपमान कर रहा है, देखो ये दासी पुत्र हमारे टुकड़ों पे पलता है और हमारा ही विरोध कर रहा है, ऐसे बचन गए। धृतराष्ट्र शांत सुन रहे हैं, पुत्र मोह ने उनकी वाणी बंद कर दी। विदुर जी ने कहा मैं अपने नेत्रों से इस वंश का नाश नहीं देख सकता, धनुष बाण दरवाजे पे धर दिए और तीर्थ यात्रा के बहाने निकल गए। धनुष बाण क्यों धर दिए ये मत समझना कि मैं बदला लेने के लिए युद्ध करने आऊंगा, अपने धनुष को ही धर दिया द्वार। और जिस समय विदुर जी घर से चले सुखदेव जी महाराज आज्ञा करते हैं स निर्गत कौरव पुण्य लब्ध हो गजव्या तीर्थ पद पदानी। विदुर जी घर से क्या गए? कौरवों के सारे पुण्य ले गए, पुण्य समाप्त हो गए। जब तक परिवार में एक भी भगवदीय भगवत सेवा सत्संग परायण है तो उसके पुण्य से सारा परिवार सुखी रहता है, एक के प्रभाव। ध्यान दीजिए हमसे भजन न बने तो कम से कम जो भगवत सेवा कर रहे हैं भजन कर रहे हैं उनका विरोध तो ना करें, उनका पुण्य सारे परिवार को मिलता है। जब तक विदुर जी महल में रहे किसी का कुछ नहीं बिगड़ा और विदुर जी के जाने के बाद सर्वनाश हो गया।
नौका में बहुत लोग बैठे थे, भमर में डगमगाने लगी, जैसे तैसे नाव पार हो गई तो सबने क्या कहा, कोई पुण्यात्मा बैठा है, उसके पुण्य प्रताप से हम सब बच गए। एक पापी बैठ जाए तो सबको डुबा दे और एक धर्मात्मा बैठ जाए तो सबको बचा ले। महात्मा कथा में आपने सुना था, गोकर्ण जी जब तक घर में रहे कुछ नहीं बिगड़ा, और जो ही गोकर्ण जी विदा हुए धुंधकारी भी मर गया, माता भी मर गई। लंका में जब तक विभीषण थे, कुछ नहीं बिगड़ा, और जब रावण ने लात मारी, अस कही चला विभीषण जब ही आयु हीन भये सब तब ही, सबकी आयु हरण करके ले गए। इसलिए घर में कोई भगवती हो कभी विरोध मत करना और प्रोत्साहित करना, ये मत कहना सवेरे से सांझ तक सेवा ही में लगी रहती, हमारी तो चिंता ही नहीं किसी, कभी मत बोलना ऐसा, अरे हमसे नहीं बन रहा, कम से कम वो तो कर रहे हैं और उसका लाभ सारे परिवार को प्राप्त होता है। महाभारत युद्ध हुआ, कौरव समाप्त हो गए, पृथ्वी का भार हल्का हो गया, भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को उपदेश दिए थे, भगवान निर्धाम प्रयाण लीला किए, अर्जुन को जो उपदेश दिया था भगवान ने आज्ञा की तू युद्ध कर, अर्जुन को प्रवृत्ति मार्ग में प्रवृत्त किया और उद्धव जी को निवृत्ति मार्ग की शिक्षा दी भगवान, कितनी कृपा है उद्धव के ऊपर। उद्धव तो अंग है भगवान के, अंग स्वरूप है, मथुरा में भगवान के साथ रहे मित्र बन के, और भगवान ने गोपियों का सत्संग सुलभ करवाया, उनको रसिक भक्त बनाया, और उसके बाद एकादश स्कंद में तो भगवान ने हृदय खोल दिया उद्धव के साथ। भगवान का प्रसादी प्रसाद लेते हैं, वस्त्र पहनते हैं, भगवान की माला पहनते हैं, प्रसाद